All of you, a very warmly welcome to all of you in your bookworm classes. So the day before yesterday we had started learning about determiners. Okay, we were seeing very important concept of grammar, determiners. Okay, so we are talking about some of the specific determiners like articles. Okay, we have discussed on article. Okay, so we had seen about two type of article, as I have mentioned you yesterday. So there are two article in English grammar, definite or indefinite. So what about the definite article? So we had learned about the definite article. There is a definite article the. Okay, definite article hota hai the, jiska koi meaning nahi hota hai, and we use the before singular or plural, both countable noun hai na. So hum the ka use singular or plural, both singular or plural, both countable uncountable noun के पहले use करते हैं definite article the को, जिसका कोई meaning नहीं होता. And if we talk about indefinite article a or n, so we use indefinite article a or n before singular countable noun. A or n का meaning होता है एक या कोई एक. Okay, so let's begin, let's try to crack or solve some of given exercises. Okay, which must be very important and knowledge oriented for your forthcoming competitive exam, any forthcoming competitive exam. So let's begin it, let's crack it. Okay, so you have given on your screen some of the exercises, and I am going to just solve it before you. And definitely every sentence will give you the idea of new concept of article. Okay, सो सारे नए नए आइडियाज़ आपको नए नए सेंटेंसेस में मिलेंगे. सो लेट्स क्रैक, शुरू करते हैं सेंटेंसेस को सॉल्विंग करना. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स पीटर टू करेक्ट द पेन. ओके, सेंटेंस नंबर वन, डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज़ हार्ड, है ना. लाइफ तो सबकी कॉमन होती है, जिसका भी जन्म हुआ है उसको अपनी लाइफ जो है वो अपना जो लाइफ स्पेन है, जो लाइफ ड्यूरेशन और टाइम पीरियड है, वो तो स्पेंड करना होता है, है ना. सो लाइफ डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज़ हार्ड, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी समवन की, किसी प्रोमिनेंट पर्सन की लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी पर्सन कोई ही है उसकी लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, है ना. सबकी लाइफ डिस्कस नहीं कर रहे, किसी ही की लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. सो डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज हार्ड, यानी हम किसी की कॉमन लाइफ को स्पेसिफिक प्रॉपर पर्टिकुलर प्रोमिनेंट बनाने जा रहे हैं. कैसे? हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्सप्रेसिव वे से प्रेशराइज कर रहे हैं. डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज हार्ड, कि उसने वो जो लाइफ यहाँ बिताता है हार्ड है, है ना. कोई ही है जो अपनी लाइफ यहाँ बिताता है, अपने डेज को स्पेंड करता है, हार्ड है ना. तो किसी की हार्ड लाइफ की बात कर रहे हैं वो जो यहाँ बिताता है. सो ऑब्वियसली वी आर मेकिंग एनी कॉमन लाइफ टू प्रॉपर स्पेसिफिक और प्रोमिनेंट. जब किसी की कॉमन लाइफ को आप डिस्कस कर रहे हैं, सो कॉमन से आप प्रॉपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको जो है प्रोमिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द. ओके, वेयर वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द फॉर मेकिंग समथिंग कॉमन टू प्रॉपर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. ओके, और प्रोमिनेंट. सो डैश लाइफ ही लीव्स हियर इज हार्ड, सो वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द लाइफ ही लीव्स हियर इज हार्ड. नेक्स्ट, डैश पेंस दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, है ना. डैश पेंस दैट आर ऑन द टेबल आर माइन, फिर से भाई बात है, भाई पेन तो कॉमन है ना. पेन का नाम नहीं दिया है. अगर नाम दिया हो तो प्रॉपर नाउन, अगर नाम, इफ़ यू हैव गिवन द नेम, अगर आपको नाम दिया है तो प्रॉपर, और नाम नहीं दिया है तो एक कैटेगरी, ग्रुप या क्लास होने के नाते वो कॉमन होगा, है ना. पेन कॉमन है, आपने बोला पेन तो कॉमन है, और पेंस है ना, एस लगाए. सो डेफिनेटली ए और एन का यूज़ तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ए और एन हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. पेन में एस लगा, इट मीन्स ये प्लूरल है. बट और आगे सेंटेंस को चेक करें, और सेंटेंस का आइडिया और मीनिंग को, सेंस को, है ना, सेंस को ऑब्जर्व करें. डैश पेंस
दैट आर ऑन द टेबल आर माइंड, कि पेन जो टेबल पर रखे हुए हैं, पेन वो जो टेबल पर रखे हैं वो मेरे हैं। सो किसी कॉमन से पेन को जब आप इतना एक्सप्रेसिव बना रहे हैं और जब आप उसको इतना स्पेसिफिक पर्टिकुलर बना रहे हैं कॉमन से पेन को, कि पेन जो टेबल पर रखे हुए हैं वो मेरे हैं, सो वो पेन कॉमन नहीं रहे, वो पेन हो जाएंगे पर्टिकुलर, है ना, वो पेन हो जाएंगे पर्टिकुलर आपके लिए, कि पेन जो टेबल पर रखे हैं वो मेरे हैं, है ना। इट मीन्स आप प्लेस भी बता रहे हैं, प्लेस शो कर रहे हैं कि पेन जो टेबल पर रखे हैं वो मेरे हैं, इट मीन्स आप के लिए वो पेन अब कॉमन नहीं है, और सेंटेंस के लिए वो पेन कॉमन नहीं रहे, वो पर्टिकुलर होगा, इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द अगेन। सो लेट्स राइट द पेन्स दैट आर ऑन द टेबल आर माइन। नेक्स्ट, दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू। माई डियर, यहाँ लगेगा आपको टाइम, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट डाउन करना, बड़ी चीज आपके सामने। दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चेक करो यहाँ क्या लिखा है, बेस्ट, है ना, EST। अब यहाँ से एक थ्योरी आपके सामने आती है, डिग्रीज। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिग्री। डिग्री मीन्स एडजेक्टिव, यू नो अबाउट द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स द वर्ड ओके विच क्वालिफाइज द नाउन, विच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन, ओके विच सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण, विशेषण यानी हिंदी में जो विशेषता बताए, विशेषता किसकी, नाउन प्रनाउन की, है ना। तो एडजेक्टिव वो है जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। और डिग्रीज जो होती है वो एडजेक्टिव ही है। अब डिग्री होती है 3 degree, है ना, ठीक है, वी टॉक अबाउट देर आर 3 degree, है ना। नंबर वन आप जानते हैं कि नंबर वन होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एंड नंबर टू इफ वी टॉक अबाउट द कंपेरेटिव डिग्री, एंड नंबर थ्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। अब यहाँ बेस्ट जो है, अगर इसकी हम मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूँ तो गुड, है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना, गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर, बेटर मीन्स कंपेरेटिव ER, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में ER प्लस देन लगता है, ER प्लस देन, है ना, क्योंकि यहाँ हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं बिटवीन टू, है ना, जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन बिटवीन टू, है ना, सो ER प्लस देन, गुड बेटर और बेस्ट। जब हम बात करेंगे बेस्ट की तो ये हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, EST बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ER और EST कुछ डिफरेंट फॉर्म में भी नज़र आएगा लेकिन फिर भी वो डिग्रीज है, जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव है तो ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल ये कंपेरेटिव होगा, मोर ब्यूटीफुल देन कंपेरेटिव होगा, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव होगा, है ना। सो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, अब अपने काम की बात। सो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव में कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन मीन्स ER प्लस देन से हम कंपेरिजन दिखाते हैं, है ना, जैसे फास्ट फास्टर ER एंड फास्टेस्ट EST। सो कंपेरेटिव डिग्री में ER प्लस देन, इफ वी टॉक अबाउट द सुपरलेटिव डिग्री, सो सुपरलेटिव डिग्री EST मीन्स वो होगा अमंग ऑल, है ना, सबके बीच में। जैसे अब मैं यहाँ बात करूँ बेस्ट, दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू, है ना, सो गुड बेटर बेस्ट, जो गुड होगा वो पॉजिटिव है, बेटर जो होगा वो कंपेरेटिव है, जिससे कंपेरिजन होगा बिटवीन टू ER प्लस देन, इन सुपरलेटिव या ना सब में सुप्रीम सुपीरियर एक्सेलेंट, कि जिससे ज़्यादा कोई ना होगा, जिसके ऊपर कोई ना होगा, है ना, सो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है ना, वो सबसे एक्सट्रीम डिग्री है, सुपीरियर डिग्री है, और उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होगी। सो जब हम बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द के साथ आएगी, है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या लगाएंगे, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा यूज़ करेंगे किसका, डेफिनेट आर्टिकल द का। सो 3 degrees की बात की, डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, है ना। सो यहाँ हमने डिग्री की बात की, अब इसका आंसर क्या होगा, दिस इज डैश बेस्ट दैट ही कैन डू। सो EST बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, ER प्लस देन कंपेरेटिव डिग्री है बिटवीन टू,
एंड ई एस टी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री और वो हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द से है ना सिग्निफाई होती है. सो दिस इज़ जब भी आप देखें सुपरलेटिव डिग्री उसके पहले हम क्या लगा दें, हम यूज़ करेंगे उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का. दिस इज़ द बेस्ट दैट ही कैन डू, है ना. सो ये थी डिग्री की बात. सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, ठीक है. अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगता है ना. कब, जब सेंटेंस इस तरीके का हो कि शी इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू गर्ल्स, है ना. मीन्स अभी मैंने कंपैरेटिव डिग्री के पहले द क्यों नहीं लगाया, बिकॉज कंपैरिजन बिटवीन टू चल रहा था. कैसे, कि शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर. अगर मैं ऐसा बोलूं कि शी जो है वो स्ट्रॉन्गर, शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ मैंने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया. लेकिन अगर वो थर्ड पर्सन हो जाए और कंपैरिजन किसी और दो से हो, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि शी इज़ दी स्ट्रॉन्गर, शी इज़ दी स्ट्रॉन्गर ऑफ दी टू गर्ल्स, ओके, शी इज़ दी स्ट्रॉन्गर ऑफ हर टू सिस्टर्स, अगर मैं ऐसे बोलूं, तो अब वो तो हो गई थर्ड नंबर पे, और वो जो है वो थर्ड नंबर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, उसकी दो बहनों से, है ना, उसकी दो और बहनों से. अगर मैं बोलूं कि शी इज़ स्ट्रॉन्गर देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा डेफिनेट द. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि शी इज़ दी स्ट्रॉन्गर, शी इज़ द स्ट्रॉन्गर देन हर टू सिस्टर, तो अब वो दो अलग हैं और ये थर्ड नंबर पे है, इसलिए यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना. सो ये आर्टिकल में डिग्री की बात कर रहे थे, और डिग्री का आगे और मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिग्री पे ही, डिग्री से बेस्ड या डिग्री से रेलेवेंस, जिसमें और आर्टिकल को हम ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना. सो थ्री सेंटेंसेस वी हैव डन, है ना. अब हम आगे बढ़ेंगे थ्री के बाद, है ना. थ्री का आंसर तो आपको मिल गया, अब हम जा रहे हैं सेंटेंस नंबर फोर पे, ठीक है. सो विल सी, विल क्रैक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपके सामने अभी, है ना. 4, 5, 6 पेन को ऑन करें. वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, है ना. सो ओके, लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश USSR इज अ सोशलिस्टिक कंट्री, है ना. डैश USSR इज अ सोशलिस्टिक कंट्री, अब माई डियर, है ना, पूरे वर्ल्ड का नॉलेज आपको है. जब भी हम यूनाइटेड कंट्री की बात करेंगे, मैं अगर सोशल में ना जाऊं, चलो थोड़ा सा बताता हूं, टू टाइप की कंट्री होती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, है ना. कमिंग टुगेदर कंट्रीज में इंडिपेंडेंट कंट्रियां, इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट कंट्रियां मिलके पावर शेयरिंग करती है, और यूनाइटेड कंट्रीज बनाती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA. सो जितने भी यूनाइटेड कंट्रियां हैं उनके नाम के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, ध्यान रखना. तो जैसे USSR है ना, यूनाइटेड सोवियत सोसाइटी ऑफ रूस, है ना, यूनाइटेड सोवियत सोसाइटी ऑफ रूस, है ना. सो USSR, सोवियत रशिया, है ना, रशियन एम्पायर. सो इफ वी टॉक अबाउट यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, सोसाइटी या स्टेट नो इशू. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम देखें यूनाइटेड कंट्री है ना, कमिंग टुगेदर कंट्री, जो होल्डिंग टुगेदर कंट्री है उसका मीन्स होता है कि एक बड़ा सा लैंड मास होता है, जैसे कि इंडिया, स्पेन, है ना, एक बड़ा जर्मनी, एक बड़ा सा लैंड मास होता है, और उस लैंड मास को ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट फॉर्मुलेट करने के लिए स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और स्टेट्स के थोरोली कंट्रोल किया जाता है ना, स्टेट्स के थोरोली कंट्रोल, उसके ऊपर रूलिंग की जाती है. तो यहाँ पावर की शेयरिंग तो होती है, लेकिन कभी किसी स्टेट्स को उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन और इम्पोर्टेंस और वैल्यू के अकॉर्डिंगली ज़्यादा भी पावर दे दी जाती है, तो किसी स्टेट्स को उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंगली कम पावर भी दे दी जाती है. लेकिन जो यूनाइटेड कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रियों की में इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर एक यूनाइटेड कंट्री बनाती हैं, जैसे UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, तो इसके पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द आएगा. UK, यूनाइटेड किंगडम, उसके पहले भी द आएगा, दी UK, दी UAE. इफ वी टॉक अबाउट USSR,
सो उसके पहले भी द आएगा जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है. यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले भी द आएगा, है ना. सो इस तरीके से जो यूनाइटेड कंट्री हैं, है ना, यूनाइटेड कंट्रियों के नाम के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं. और जो कंट्री यूनाइटेड नहीं है, जैसे इंडिया, इंडिया के पहले द इंडिया नहीं आएगा, है ना. इंडिया के पहले द इंडिया नहीं आएगा, चाइना के पहले द चाइना नहीं आएगा, है ना, जापान के पहले दी जापान नहीं आएगा. लेकिन जो यूनाइटेड कंट्री है, जैसे फोर्थ नंबर का सेंटेंस, यूएसएसआर इज़ अ सोशलिस्टिक कंट्री, है ना, या सोशलिज्म है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सोशलिज्म मीन्स इक्वालिटी इन सोसाइटी. दी यूएसएसआर इज़ अ सोशलिस्टिक कंट्री, है ना, दी यूएसएसआर इज़ अ सोशलिस्टिक, बिकॉज यूनाइटेड कंट्री के पहले हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द. दी यूएसए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी यूके द यूनाइटेड किंगडम, दी यूएई द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओके इमिरेट्स, देन द यूएसएसआर, है ना. सो हमने बोला, लेकिन जो कंट्री यूनाइटेड नहीं है, जो कमिंग टुगेदर कंट्री ना होते हुए होल्डिंग टुगेदर कंट्री, जैसे कि इंडिया, जहाँ स्टेट्स वाइज रूलिंग होती है, है ना, और स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल्स हैं, वहाँ उसके लिए हम द नहीं लगाएंगे. लेकिन एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, नेशनलिटी, है ना, एक नया फंडा बता दूँ कि जब भी आप नेशनलिटी की बात करोगे, इंडिया के आगे द इंडिया नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी जो नेशनलिटी है, है ना, जैसे कि इंडियन, तो उस सिटीजनशिप जो है, जैसे इंडियन, तो इंडियन के पहले द इंडियन जरूर आएगा, है ना. द अमेरिका नहीं होगा, द यूएसए होगा, है ना, द अमेरिका नहीं होगा लेकिन द अमेरिकन जरूर होगा, द चाइना नहीं होगा लेकिन द चाइनीज जरूर होगा, द जापान नहीं होगा लेकिन द जापानीज जरूर होगा, द फ्रांस नहीं होगा लेकिन द फ्रेंच जरूर होगा, द इंग्लिश, अब यहाँ मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड किंगडम के जो पीपल हैं, है ना, यूनाइटेड किंगडम के जो पीपल हैं, इंग्लैंड के जो पीपल हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, है ना. द इंग्लिश मीन्स पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, ओके, पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, द इंग्लिश. सो द इंग्लैंड नहीं होगा, द यूनाइटेड किंगडम होगा, लेकिन द इंग्लिश नेशनलिटी और सिटीजनशिप के पहले, जैसे द इंडिया नहीं होगा, द इंडियंस होगा, तो वहाँ सिटीजनशिप के पहले या नेशनलिटी के पहले आप द लगा सकते हैं, लेकिन आप कमिंग टुगेदर कंट्री के आगे जो यूनाइटेड है उनके आगे द लगाते हैं, और जो होल्डिंग टुगेदर है, जो यूनाइटेड नहीं है, उनके आगे द नहीं लगाते हैं. नेक्स्ट बात करें, राम इज डैश बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ये कंसेप्ट तो जाना पहचाना है, बताइए. बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना. सो थ्री डिग्रीज, डिग्रीज होती है एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं. तो ये जो बेस्ट है, ईएसटी जो है सुपरलेटिव डिग्री है. कई बार ईएसटी ना आने पर, जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, अगर इस तरह का हो तो भी सुपरलेटिव डिग्री हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द को बिलोंग करती है. राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास. नेक्स्ट, डैश पुअर आर हैप्पी. अब यहाँ जो पुअर और रिच की जब मैं बात करूँगा, तो पुअर रिच जो है वो अपने पूरे ग्रुप को, अपनी पूरी कैटेगरी को, अपनी पूरी एक पूरी पूरा जो ग्रुप है, रिच हो, वेल्दी हो, पुअर हो, लैम हो, है ना, डीफ हो, डम्ब हो, है ना. जब भी हम इस तरह की बात करें, कि जब हम किसी ग्रुप की बात करें, है ना, और वो जो ग्रुप है, ग्रुप की जो कॉमननेस है, ग्रुप की जो कॉमनिटी है ना, कॉमन ग्रुप में जो कॉमन है, यानी हिंदी में जाति, यानी जब हम किसी व्यक्ति के वर्ग, व्यक्ति का वर्ग या जाति की बात करें, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर के ग्रुप की बात करें, उस ग्रुप में वही लोग बिलोंग करते हैं, तब हम उनको सिंगुलर या प्लूरल ऐसा न बताते हुए ग्रुप से एड्रेस करते हैं, है ना. जैसे डैश पुअर आर हैप्पी, तो यहाँ पुअर जो है वो एक सिंगुलर पुअर की बात नहीं हो रही है, पुअर के ओवरऑल ग्रुप की बात हो रही है. पुअर की जगह पर रिच भी हो सकता है. क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पुअर, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि द पुअर, तो द पुअर मीन्स पुअर पीपल होगा, उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाएंगे. जैसे मैंने बोला द रिच, तो इसमें रिच पीपल होंगे, द यंग, तो द यंग पीपल होंगे, द ओल्ड, द डीफ, द लैम, द डम्ब, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट. अगर मैं बोलूँ द ओल्ड, तो उसमें अकेला ओल्ड भी हो सकता है और पूरे ओवरऑल ओल्ड भी हो सकता है. सो द ओल्ड कह के मैं सिंगुलर और प्लूरल, है ना, बोथ ओल्ड पीपल को एड्रेस करूँगा. वैसे ही पुअर और रिच के आगे हम पुअर हो, रिच हो, डीप हो, डम्ब हो, लेम हो, ऑनेस्ट हो, डिसऑनेस्ट हो, है ना,
ये सब को हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों कह के पूरे ग्रुप को एड्रेस करते हैं, ना कि सेपरेटली सिंगुलर या प्लूरल को। सो यहाँ पुअर आर रिच, तो यहाँ हम यूज करेंगे दी पुअर आर हैप्पी, द रिच आर अनहैप्पी, द रिच आर हैप्पी, द पुअर आर अनहैप्पी। सो यहाँ दी पुअर का मीन्स हो गया पुअर पीपल, अगर रिच होता तो होता रिच पीपल। तो सेपरेटली ना एड्रेस करते हुए पूरे ग्रुप को, होल ग्रुप को एड्रेस करते हैं। ये था सेंटेंस नंबर 6, है ना। सो 6 सेंटेंस वी हैव डिस्कस्ड डिस्कस्ड। ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्रैक 7, 8, 9, है ना। सो शुरू करते हैं 7, 8, 9 को। सो आई एम गोइंग टू सेट माय पेन फर्स्ट। ओके, दिस टाइम ग्रीन इंक वी आर गोइंग टू चेक। सो डियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, है ना। दैट इज डैश बुक दैट यू प्रोमिस टू लैंड। ओके, अब यहाँ बुक की बात हो रही है। बुक तो कॉमन नाउन है ना, बुक कॉमन है, लेकिन आप बुक को कॉमन रहने नहीं दे रहे, आप उसको बना रहे हैं प्रॉपर सेंटेंस नंबर 7 में। दैट इज डैश बुक, जब मैं ऐसा बोलूँ कि सपोज एक सेंटेंस है, दिस इज डैश बुक, सो दिस इज अ बुक, बिकॉज बुक कॉमन है इसलिए दिस इज अ बुक। ओके, सिंप्लिसिटी से बात ओवर हो जाएगी, दिस इज अ बुक, है ना। हम यहाँ इसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐसा बोलें दिस इज अ बुक दैट इज अ बुक, दिस इज अ बुक दैट इज अ बुक, दिस वॉज अ बुक दैट वॉज अ बुक। लेकिन जब हम उसको एक्सप्रेस करें और हम किसी कॉमन को प्रॉपर बनाएं, स्पेसिफिक सॉरी पर्टिकुलर बनाएं, तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। दैट इज डैश बुक दैट यू प्रोमिस टू लैंड, यानी ये वो बुक है जो आपने मुझे देने का प्रोमिस किया था, है ना। ये वो बुक है जो आपने मुझे देने का प्रोमिस किया था, बोरो यानी लेना, बोरो मीन्स उधार लेना और लैंड मीन्स उधार देना। तो ये वो बुक है जो आपने मुझे देने का प्रॉमिस किया था। इट मीन्स ये अब कोई कॉमन बुक नहीं हुई, ऐसे तो हजारों बुक है, लेकिन उन सब में से ये वो बुक है जो आपने मुझे देने का प्रॉमिस किया था। तो इट मीन्स ये कॉमन बुक नहीं है जिसे आप मुझे देने जा रहे थे या देने वाले थे, एंड यू वर ट्राइंग टू या यू वर गोइंग टू गिव मी और लैंड मी। सो अब वो बुक कॉमन नहीं रही, वो बुक हो जाएगी पर्टिकुलर बुक जो आप मुझे देने जा रहे थे और आपने मुझे देने का प्रॉमिस किया था। तो यहाँ यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द, है ना। नेक्स्ट, डैश द सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब ये तो आप जानते हैं सन जो है वो यूनिवर्सल है, सन हमारे यूनिवर्स का यूनिक स्टार है, है ना। सन इज द स्टार, सो सन एक यूनिक ऑल इन वन, और जो चीज़ें यूनिक होती है, जो वन एंड ओनली होती है, जो एक होती है, जो खास होती है, विशेष होती है, सो हमारे यूनिवर्स में एक ही सन है, है ना। सो इसलिए वो यूनिक है, वो प्रोमिनेंट है, स्पेसिफिक है। सो नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना, और हमारी गैलेक्सी का एक ही सन है, इसलिए हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। जो चीज़ें यूनिक होती है, नेचुरल यूनिक होती है, द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। अब ईस्ट भी डायरेक्शन है, और ईस्ट जो है वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्पेसिफिक खास डायरेक्शन है ना, जहाँ सन राइजेज होता था द। सो इसलिए इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, बिकॉज ईस्ट भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। नेक्स्ट, डैश सन सेट्स इन डैश वेस्ट। तो ये भी आप जानते हैं सन जो है वो एक यूनिक और नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना, वन एंड ओनली ऑब्जेक्ट है हमारे यूनिवर्स का। सो द सन सेट्स इन, तो ये जो वेस्ट है, जैसे ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वैसे वेस्ट भी एक खास और पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो यहाँ भी क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो यहाँ सेंटेंस आपके कितने होते हैं, सेंटेंस हो गए 9, है ना। अब हम जाएंगे आगे 10, 11, 12, विल क्रैक 10, 11, 12 सेंटेंस नंबर। ओके, सो लेट्स सेट द पेन। सो लेट्स बिगिन, डैश बाइबल इज अ होली बुक। बाइबल है ना, बाइबल। सो इफ वी टॉक अबाउट, अब भाई आर्टिकल के फॉर्मूले में एक चीज़ हो रही है, जब भी आप रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात करें, रिलीजियस स्क्रिप्चर या रिलीजियस एपिक, रिलीजियस या कोई भी मोन्यूमेंट या हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। बाइबल जो है वो एक होली बुक है, जब भी हम होली बुक की बात करेंगे, सेक्रेड चीज़ों की बात करेंगे, सेक्रेड चीज़ों की बात करेंगे, पवित्र डिवाइन गॉडली चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि
अब जैसे कि बाइबल क्रिश्चियनिटी की होली बुक है, वैसे ही कुरान अल कुरान इस्लामिक, गीता रामायण महाभारत रामचरितमानस वो हिंदू धर्म की है ना, और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो पंजाबी सिखिज़म की। सो डिश बाइबल इज़ अ होली बुक। सो बाइबल जो होली बुक क्रिश्चियनिटी की, और बाइबल जो है वो एक रिलीजियस होली बुक है, इसलिए उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे। द बाइबल, द गीता, द कुरान, द रामायण, द रामचरितमानस, ओके, द गुरु ग्रंथ साहब रिलीजियस और होली जो बुक्स हैं उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द। मिस्टर बुश इज डैश यूरोपियन है ना, कहने को ई है ना, आपके दिमाग में आएगा सर ए ई आई और यू का फॉर्मूला फिट होता है, फिट तो होता है लेकिन हिट नहीं होता। फिट होता है फॉर्मूला लेकिन हिट नहीं होता, क्यों हिट नहीं होता भाई? हिट इसलिए नहीं होता बिकॉज यूरोपियन, यूरोपियन मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो यूरोपियन होना एक कॉमननेस है, बिकॉज यूरोपियन मीन्स यूरोप का सिटीजन, सिटीजन जो यूरोप में रिसाइडिंग करता है ना। सो यूरोपियन जब आप फर्स्ट, जब ये कॉमन है तो इट मीन्स इसमें डेफिनेट आर्टिकल द तो आना ही नहीं है, वो तो कॉमन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर क्या बचता है? ए और एन बचता है ना, और मिस्टर बुश एक सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए हम ए और एन में से पिक करेंगे क्योंकि ये एक कॉमन है ना। सो यूरोपियन जब आप फर्स्ट लेटर का वो थ्योरी है ना, यूरोपियन, जैसे अगर मैं यूरोपियन लिखूँ यूरोपियन है ना। सो जो रूल मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी हैव टू चेक द फर्स्ट लेटर एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन, इफ सपोज इट गिव्स यू बाउल लाइक साउंड सो वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल एन, एंड इट इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस स्पेलिंग गिवन स्पेलिंग गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए अकॉर्डिंग टू द रूल। सो यूरोपियन का य जो है वो क से ज्ञ के बीच में आता है, वो कॉन्सोनेंट लाइक साउंड देता है, तो कॉन्सोनेंट लाइक साउंड देने की वजह से हम लगाएंगे ए। और अगर ये बाउल लाइक साउंड अ से अहा के बीच में आता और बाउल लाइक साउंड देता तो हम लगाते हैं एन। डैश इट इज डैश ईजी टास्क, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें है ना, इट इज डैश ईजी, ईजी, अब ईजी टास्क है तो ये तो कॉमन है ना, कोई खास की बात तो हो नहीं रही क्योंकि ईजी टास्क है, कॉमननेस शो करता है ईजी। अब ईजी जो है वो उसका अगर प्रोनाउंसिएशन में देखो तो सबसे पहले ई आता है ना, ईजी है ना, तो ई होने की वजह से अ के बीच में आता है, इट मीन्स इट डिनोट्स इट गिव्स अस बाउल लाइक साउंड, ये बाउल साउंड देता है, अ से अ के बीच का साउंड देता है, इसलिए हम यूज़ करेंगे एन है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल एन, इट इज़ एन ईजी टास्क। ओके नेक्स्ट जाते हैं, 12 सेंटेंसेस हो गए, अब जा रहे हैं हम 13-14 पे। ओके सो हार्डली विल सी 13 and 14 सेंटेंसेस, 13-14 को फटाफट चेक करते हैं। विच इज डैश हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया, अब देखिए हाइएस्ट फिर से सुपरलेटिव डिग्री, आपने कैसे पहचाना? बिकॉज क्या लिखा हुआ वहाँ पे ईएसटी है ना, ईएसटी मीन्स सुपरलेटिव, हाई हायर हाइएस्ट, हायर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है और हाइएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना। सो और कंपेरेटिव डिग्री में भी डेफिनेट आर्टिकल द कब लगता है, मैंने बता दिया है कि जब कंपेरिजन हो दो से, दो के बीच में नहीं हो, दो से कंपैरिजन हो उस केस में भी, और जब कोई चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे दी हायर यू गो, ओके दी हायर यू गो दी मोर यू फाउंड, दी मोर यू गो दी मोर यू गेट, ये एक सेंटेंस ले लें, दी मोर यू गो दी मोर यू गेट, कि जितना जाओगे उतना पाओगे, वहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द लगता है कंपैरेटिव डिग्री में। सो आपने ईएसटी देखा, आपने देखा ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपने क्या लगाया, विच इज दी है ना, विच इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया है ना। अच्छा और माउंटेन थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस केस में भी है ना, एक थोड़ी सी जानने वाली बात है कि जब भी हम रिवर सी ओशियन वे बे बे है ना, वे ऑफ बंगाल खाड़ी है ना, गल्फ और कैनल की बात करेंगे, रिवर सी ओशियन वे गल्फ कैनाल, तो उस केस में हम यह क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द है ना। जब इन सब चीज़ों की बात करते हैं, रिवर, सो दी गंगा दी यमुना दी नर्मदा है ना, दी कृष्णा दी कावेरी, सी की बात करेंगे द रेड सी द मेडिटेरियन सी द अरेबियन सी, ओशियन की बात करेंगे दी अटलांटिक ओशियन दी पैसिफिक ओशियन द इंडियन ओशियन, बे की बात करेंगे दी बे ऑफ बंगाल है ना, इस तरीके से।
बे के पहले भी हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का. गल्फ की बात करेंगे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे. कैनल द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल, द लगाएंगे. अब हम बात करें अगर माउंटेन रेंजेस की, है ना, जैसे यहाँ माउंटेन की बात हो रही है तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो माउंटेन रेंजेस के पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है. जैसे द आल्प्स, द हिमालया, द ईस्टर्न घाट, है ना. और आइलैंड के पहले भी द आता है. आइलैंड के पहले द कैसे आता है, जैसे हम बात करें द वेस्ट इंडीज़, वो भी आइलैंड है ना. द निकोबार्स, द अंडमानस, द फिलीपींस, ये सारे आइलैंड है इसलिए इसके पहले भी द आता है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब द कहाँ नहीं आता. माउंटेन की जो पीक है भाई, द हिमालया तो होता है ना, द हिमालया होता है, लेकिन हिमालया की जो पीक है माउंट एवरेस्ट, उसके पहले द नहीं आएगा, है ना. मींस अगर मैं आपको बताऊं कि द हिमालया, है ना, द हिमालया, ये सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि द माउंट एवरेस्ट तो ये सही नहीं है, है ना. इट मीन्स ये है कि जो माउंटेन रेंजेस है, द आल्प्स, द हिमालया, द ईस्टर्न घाट, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, लेकिन उस माउंटेन रेंजेस की जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है, शिखर है ना, उस चोटी के लिए, उस पीक के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, है ना. वहाँ किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. जैसे कंचनजंगा है ना, तो कंचनजंगा दी कंचनजंगा नहीं होगा, सिर्फ कंचनजंगा. जैसे माउंट आबू है ना, तो माउंट आबू एक पीक है ना, माउंट आबू एक पीक है, तो यहाँ सिर्फ माउंट आबू आएगा, दी माउंट आबू नहीं आएगा, है ना. वैसे ही माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हिमालया की एक, हिमालया रेंजेस की एक पीक है. हिमालया रेंजेस के लिए दी हिमालया आएगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालया की एक पीक है ना, उसके लिए, उस पीक के लिए, उस चोटी के लिए हम दी माउंट एवरेस्ट नहीं लगाएंगे. वैसे ही दी नंदा देवी नहीं होगा, सिर्फ नंदा देवी होगा. दी धौलागिरी नहीं होगा, सिर्फ धौलागिरी होगा. सो कंचनजंगा, माउंट आबू, पारसनाथ, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सारे पीक हैं, ये सारी चोटियां हैं, इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आएगा. सेंटेंस नंबर 14 को चेक करें. आई बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, है ना भाई, मैंने एक अम्ब्रेला जो है वो यस्टरडे को ख़रीदा है. तो भाई सबसे बड़ी बात, आपने अम्ब्रेला ख़रीदा तो इसमें कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है. अम्ब्रेला जो है वो कॉमन नाउन है ना, अम्ब्रेला कॉमन है, और आपने यस्टरडे कोई अम्ब्रेला ख़रीदा तो इसमें कुछ भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या यूनिक नहीं है. अब अम्ब्रेला, लेकिन आप अगर ये यूनिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, इट मीन्स द का यूज़ आप नहीं करने जा रहे हैं. आपको यूज़ करना है इंडेफिनिट ए और एन का, क्योंकि आपने अम्ब्रेला एक ही ख़रीदा है ना, क्योंकि अम्ब्रेला लिखा है, अम्ब्रेलास तो लिखा नहीं है. तो अम्ब्रेलास भी लिखा होता तो भी वो कॉमन ही होता, तो कॉमन है इसलिए ए और एन में से सिलेक्शन करेंगे. अब अम्ब्रेला का जब हम फर्स्ट लेटर का हिंदी प्रोनाउंसिएशन देखें तो अम्ब्रेला इस तरीके से लिखेंगे, सबसे आगे अ आएगा. अ जो है वो बाउल लाइक साउंड. इफ़ फर्स्ट लेटर गिव्स अस बाउल लाइक साउंड, सो वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल एन. तो अम्ब्रेला के पहले हम क्या लगाएंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल एन, बिकॉज फर्स्ट लेटर हमें क्या देता है? बाउल लाइक साउंड. 14 सेंटेंसेस हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं 15, 16 और 17 के लिए. ओके, सो लेट्स क्रैक 15, 16, 17, है ना. हार्डली हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, स्पीडली हम इसको चेक करेंगे, है ना. ओके, सो डैश महाभारत इज अ रिलीजियस बुक. अब देखिए महाभारत, मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये रिलीजियस बुक है, ये एक एपिक है, ये डिवाइन बुक है, ये एंशियंट बुक है. सो जब भी हम बात करते हैं होली बुक की, तो होली बुक जो होली स्क्रिप्चर है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता. दी महाभारत, दी गीता, दी कुरान, दी रामचरितमानस. सो यहाँ फिर से क्या आने जा रहा है? डेफिनेट आर्टिकल द. मिस्टर प्रशांत हैज़ रीड डैश वेदास. मिस्टर प्रशांत ने वेद जो हैं वो पढ़ लिए हैं. तो वेदा की भी हम बात करें, सो वेदास आर द फाउंडेशन ऑफ अवर रिलीजन एंड वेदास आर द मोस्ट एंशियंट रिलीजियस एपिक ओके ऑफ द वर्ल्ड. यस, इफ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड और इफ वी टॉक अबाउट द अवर सिविलाइजेशन और अवर कंट्री और अवर बिलीफ. सो वेदास, देर आर फोर वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद. सो वेदास, सो वेदा भी जो है वो एक ओल्ड एंशियंट है ना रिलीजियस एपिक है, रिलीजियस होली बुक्स हैं. सो इसलिए वेदास के पहले भी डिफरेंट आर्टिकल द आएगा. डैश हिमालयास है ना लाई टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया. अभी हिमालयास की बात कर रहे हैं,
मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि हिमालय जो है वो एक माउंटेन रेंजेस है, और माउंटेन रेंजेस के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। लेकिन अगर माउंटेन रेंजेस की किसी पीक की बात करें, किसी चोटी की बात करें, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये हिमालय की ही पीक है, या जो भी हिमालय की पीक है, उस पीक के लिए उस चोटी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सिर्फ पीक है। लेकिन ओवरऑल हिमालय की बात करें तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द हम लगाते हैं। दी आल्प्स द हिमालय, है ना। 17 सेंटेंसेस वी हैव डन। आगे जाते हैं 18, 19 और 20 की बारी है ना। सो 18, 19 एंड 20 चेक करते हैं। लेट्स चेक। ओके, डैश गैंग्स फॉल्स इनटू डैश बे ऑफ बंगाल। गैंग्स मीन्स गंगा। गंगा जो है सेक्रेड रिवर है, होली रिवर है, डिवाइन रिवर। सो नेम ऑफ द रिवर के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द गैंग्स मीन्स द गंगा। द गैंग्स फॉल्स इनटू डैश बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है ना। सुंदरबन डेल्टा बनाती है गंगा, ठीक है। और वाटरवे नंबर वन जो इलाहाबाद से बंगाल तक है, हल्दिया तक, वो भी गंगा पे ही बना हुआ है ना। सो भाई गैंग्स फॉल्स, द गैंग्स फॉल्स इनटू डैश बे ऑफ बंगाल। बे जो बे ऑफ बंगाल, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के पहले अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी के पहले, है ना, उसी तरह से बे के पहले, जैसे बे ऑफ बंगाल, सो दी बे ऑफ बंगाल, बेस के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। द सेलर्स वेंट टू डैश अरेबियन सी। अब अरेबियन सी की बात आ गई है ना। सेंटेंस नंबर 19, अरेबियन सी, सी के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल हम द लगाते हैं, है ना। द अरेबियन सी, ओके। और ओशियन के पहले भी, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ओके, द आर्कटिक, द अंटार्कटिक। सेंटेंस नंबर 20, श्रीनगर इज सिचुएटेड टू डैश नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली के नॉर्थ साइड में श्रीनगर सिचुएटेड है। नॉर्थ एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसके लिए भी है ना, द पर्टिकुलर जोग्राफिकल डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। सो यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं, 20 सेंटेंसेस हमारे हो गए, और अब बात करेंगे 21, 22 और 23 सेंटेंस की। सो एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन, है ना। एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन। अब डोजन तो कॉमन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप, है ना, रेट की बात करें, वेट की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, है ना, जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं किसका, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है यहाँ पे भी, है ना। जब हम बात करेंगे रेट, है ना, रेट मीन्स दर, और मेजरमेंट, मेजरमेंट है ना माप, और हिसाब, कैलकुलेशन, है ना, जब भी कैलकुलेशन की, मेजरमेंट की, रेट की जब आप बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि ऑयल इज सोल्ड बाय, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, कि ऑयल जो है वो लीटर में बेचा जाता है। शुगर इज सोल्ड बाय द किलोग्राम, शक्कर किलोग्राम में बेची जाती है। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा मीटर से या मीटर में बेचा जाता है। उसी तरीके से एप्पल्स आर सोल्ड बाय डैश डोजन, कि जो एप्पल हैं वो डोजन में बेचे जाते हैं। तो जब कभी भी आप बात करेंगे रेट की, उसके बाद मेजरमेंट की, वेट की, इन दर, माप और हिसाब जो होता है, कैलकुलेशन, मेजरमेंट, रेट, इसके लिए भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। डू नॉट, डोंट हैरश डैश डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन जो है, डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन मीन्स द मीजर पीपल, द सफर्ड, द एक्सप्लॉयटेड, ओके, जो लोग एक्सप्लॉयटेड हैं, जो सफर्ड हैं, है ना, जो एंग्यूज्ड हैं, जो फॉगटन हैं, ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ उसके लिए भी, और वो लोग सर्टेन होंगे, वो लोग खास होंगे, स्पेसिफिक होंगे, पर्टिकुलर होंगे, क्योंकि सारे लोग तो डाउन ट्रोडन हैं नहीं। तो जो लोग सफर्ड हैं, जो विक्टिम हैं, जो इंड्यूस्ड हैं, है ना, वो लोग कहलाएंगे डाउन ट्रोडन, जो मीज़र हैं, और उनके लिए भी, उसके लिए भी हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द, क्योंकि वो लोग क्या होंगे, स्पेसिफिक पर्टिकुलर होंगे, सोसाइटी से फॉगटन होंगे। 23, कालिदास इज नॉन एज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। अब देखो टू पर्सन में कंपेरिजन हो रहा है। कालिदास इज नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। अब शेक्सपियर ऑलरेडी यूरोप में बड़े फेमस हैं, है ना, अपनी पोएट्री के लिए, अपने वर्क के लिए, किसमें, लिटरेचर में। तो उसी तरीके से कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान, शकुंतलम,
ऋतुसंहारम मेघदूतम जो लिखा है हमारे भारतीय हमारे कल्चर में हमारे लिटरेचर को जिस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो यूरोप में जितने फेमस शेक्सपियर हैं अपने वर्क के लिए लिटरेचर में उतने ही फेमस कालिदास इंडिया में हैं। तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा गया है ना, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा गया। तो इस तरीके से जब दो प्रॉपर नाउन, पहली बार तो प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है ना, कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, बिकॉज नेम दिए हुए हैं, दोनों के अलग अलग नेम है, दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है और था, है ना। तो भाई जब इस तरह से कंपैरिजन होता है तो इस तरह के कंपैरिजन में भी डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है, कालिदास इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस तरह का कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन इन इन दिस कंडीशन व्हेन दे बोथ आर ओके दे बोथ आर द प्रॉपर नाउन, सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, है ना। 23 सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट हुए, आगे जाते हैं 24-25 लास्ट टू सेंटेंसेस हैं, है ना। सो लास्ट टू सेंटेंसेस को भी हम क्रैक करें। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। आप देखिए स्विट्जरलैंड जो है स्विट्जरलैंड स्विस स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, है ना, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, लेकिन हम स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन कर रहे हैं कश्मीर का, कश्मीर को हम स्विट्जरलैंड बता रहे हैं, कहाँ का, इंडिया का। अब स्विट्जरलैंड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी ब्यूटी के लिए अपनी ग्लोरी और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, है ना, फेमस है, नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। तो जो हमारा कश्मीर है, हम कश्मीर का कंपैरिजन यूरोप के, है ना, पूरे वर्ल्ड पॉपुलर या फेमस स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह का जो कंपैरिजन है वो भी डेफिनेट आर्टिकल द से डिनोट होगा, कि कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि स्विट्जरलैंड जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है वैसे कश्मीर हमारे इंडिया का स्विट्जरलैंड है ना है। 25- फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। अब फ्रेंच, अब यहाँ फ्रेंच मीन्स फ्रांस देश की बात नहीं हो रही है, है ना, क्योंकि अगर देश की बात हो रही होती तो देश के नाम के पहले अगर वो कंट्री होल्डिंग टुगेदर है जैसे फ्रांस जर्मनी इटली जापान इंडिया चाइना, तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये होल्डिंग टुगेदर कंट्री। लेकिन जो कमिंग टुगेदर कंट्री है उन कंट्रियों के नाम के पहले हम, जो यूनाइटेड कंट्री है जिसके पहले यूनाइटेड लगता है उन सब के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, हम यूएन द यूनाइटेड नेशंस ऐसा भी कहते हैं यूएन के पहले। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या है, नेशनलिटी। मैंने क्या कहा था कि होल्डिंग टू कमिंग टुगेदर जो कंट्री जिनके नाम के आगे यूनाइटेड आता है उनके नाम के पहले द लगाते हैं, लेकिन जिनके नाम के आगे यूनाइटेड नहीं आता वहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, नेशनलिटी। किसी भी कंट्री की नेशनलिटी के पहले, किसी भी कंट्री की नेशनलिटी सिटीजनशिप नागरिकता के पहले और नागरिकों को जिस नाम से एड्रेस किया जाता है उसके पहले लगाया जाता है डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे दी इंडिया नहीं हो सकता लेकिन दी इंडियंस जरूर हो सकता है, दी दी थाई, है ना, दी थाईलैंड नहीं हो सकता लेकिन दी थाई जरूर हो सकता है, दी जापान नहीं हो सकता लेकिन दी जापानीज दी चाइनीज दी नाइजीरियंस दी इंडोनेशियन जरूर हो सकता है। उसी तरीके से दी फ्रांस नहीं हो सकता लेकिन दी फ्रेंच जरूर हो सकता है ना। तो नेशनलिटी के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, दी फ्रेंच हैव ऑफर्ड टू हेल्प इंडिया। सो फाइनली वी हैव डन 25 सेंटेंसेस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। 25 सेंटेंसेस है ना आप कंप्लीट करें, विल सी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू सेंटेंसेस और न्यू कॉन्सेप्ट।